3 जो परीक्षा है इसको दूसरे किसी तारीख को अगर सिद्धांत लेते हैं तो हमें खुशी होगी। हम असम के जितने हिंदी भाषी के साथ साथ हिंदू समुदाय लोग हैं सभी सरकार के प्रति आभार रहेंगे। डेली बराकेर पर्दाय ऐ मुहूर्तेर गुरुत्वपूर्ण खबर। 30 मार्च महारामनवमी, ताई ओई दिन आयोजित माध्यमिक परीक्षार तारीख बदलानोर दाबीते मुख्यमंत्रीर उद्देश्ये स्मारकपत्र प्रदान करलो बराक हिंदी साहित्य समिति। बुधवार কাছাড়ের জেলাশাসক মারফত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে স্মারকপত্র পাঠান তারা। এ নিয়ে হিন্দি সাহিত্য সমিতির কর্মকর্তারা বলেন, 30 মার্চ মহারামনবমী আয়োজিত হবে। রামনবমী হিন্দু ধর্মের একটি মহাপর্ব এবং সেই দিন মাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজিত হলে অনেকেই বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাই বিষয়টি মাথায় রেখে বরাক হিন্দি সাহিত্য সমিতি বুধবার কাছাড়ের জেলাশাসক মারফত আসামের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষার তারিখ বদলে অন্যদিন আয়োজিত করার বিনম্র আবেদন জানিয়েছেন তারা। উল্লেখ্য, চলিত মাধ্যমিকের বিজ্ঞান পরীক্ষা গত 13 মার্চ আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরীক্ষার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় বোর্ডের পক্ষ থেকে সেই তারিখ বদলে আগামী 30 মার্চ মাধ্যমিকের বিজ্ঞান পরীক্ষা আয়োজিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডেইলি বরাক। असम सरकार एक सिद्धांत लिया परीक्षा के बारे में, जो HSLC का परीक्षा है उस परीक्षा 13 तारीख का जो था किसी कारणवश उन्होंने इस परीक्षा को बदलाव किया उस तारीख को, तो 13 तारीख को जो परीक्षा था उसको उन्होंने 30 तारीख को इसी महीना का 30 तारीख को उन्होंने सिद्धांत लिया तो परीक्षा को करवाने के लिए। अब इसमें देखा जा रहा है कि हम हिंदी भाषी जितने हैं, 30 तारीख को हमारा रामनवमी पड़ा है, जो हमारे हिंदी भाषी के लिए एक महापर्व है, और हिंदी भाषी के साथ साथ आजकल रामनवमी का दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है, जो कि बसंती पूजा के नाम से जाना जाता है। इस समय अब नवमी का दिन जो है, अष्टमी के दिन से उपवास रहते हैं हमारे घर में हिंदी समुदाय के लोगों के महिलाएं, और नवमी के दिन इसको पूजा अर्चना करते हैं, हवन आदि करके पूजा को संपन्न करते हैं। उस दिन परीक्षा के दिन देने की वजह से ऐसा हुआ कि हमारे बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो सकता है और सामाजिक प्रॉब्लम भी है, तो हम चाहते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि सरकार उस दिनांक को अगर बदली करके दूसरे किसी तारीख को सिद्धांत लें। C3 जो परीक्षा है इसको दूसरे किसी तारीख को अगर सिद्धांत लेते हैं तो हमें खुशी होगी। हम असम के जितने हिंदी भाषी के साथ साथ हिंदू समुदाय लोग हैं सभी सरकार के प्रति आभार रहेंगे इसके लिए।